ये मार रहा है ना, मार रहे तो जान से मार देगा, तो ये भी तो मारेगा ना अभी। एक बंद फ्लैट के अंदर हंगामा करती महिला, घर में मौजूद व्यक्ति द्वारा बार बार महिला की पिटाई और महिला द्वारा लोगों से खुद को बचाने की गुहार लगाना। आप नहीं जाओ, मेरा कुत्ता दौड़ में कमा रही है, इसलिए थोड़ी लटके में। करीब एक घंटे तक ये सब होता रहा पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके के इस फ्लैट में। पीड़ित महिला का दावा है कि घर के अंदर उसकी पिटाई करने वाला वो व्यक्ति उसका पति है, जो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अच्छा ये बता, तुम्हें मारा है कैसे? मैं मार रहा है, मैं अपना पीठ दिखाती हूँ। कैसे मारा, बैल से? बैल से मैं पीठ दिखाती, लड़के ने भी मेरा बाल खींचा है। अच्छा मुझे बाल। अरे तू दरवाजा खोल ना रे भाई, महिला की बात तो आपने सुन ली, लेकिन जब इस बारे में आस पड़ोस के लोगों से बात की गई, तो ये माजरा कुछ और ही निकला। लोगों की माने तो ये महिला अपने पति द्वारा पिटाई किए जाने की बात कह रही है। वो एक कॉल गर्ल है जो सेक्स रैकेट चलाती है। इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि लोगों ने इस फ्लैट से बीते 7-8 महीनों में कई लड़कियों को निकलते और बालकनी से कूदते हुए देखा है। इतना ही नहीं, फ्लैट में चले इस ड्रामे से थोड़ी देर पहले यानी सोमवार रात को भूकंप आने के बाद लोगों ने दो लड़कियों को कूदकर भागते हुए भी देखा। ये 7-8 महीने हो गए ये यहाँ पे लोग किराए पे रहते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया कभी भी, क्योंकि किराएदार हैं। लेकिन आज जब भूकंप आया और सब लोग बाहर आए और अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई, तब हमें पता अंदर कुछ हो रहा है। जाके देखा तो उन लोगों ने पहले दरवाजा नहीं खोला और लड़की की पोजीशन जो थी वो बहुत गलत थी, जो देखने में मतलब किसी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई घरेलू यहाँ पे वो हो रहा है। और वो बार बार बोल रही थी कि हमें बंद करके, दो तीन लड़कियां भाग गई हैं और ये आदमी मुझे वो कर रहा है। तो क्या, मेरा फ्लैट बिल्कुल इनके घर के सामने है, फर्स्ट फ्लोर इनका है, फर्स्ट फ्लोर मेरा। तो मैंने अभी एक महीना हुआ होगा, मैंने देखा यहाँ आवाजें आ रही थी लड़ाई झगड़े की, तो मैंने सोचा घर का मैटर है कुछ, पर वो यहाँ से अपने छज्जे की खिड़की खोल के और कूदने की कोशिश कर रही थी लेडीज। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा क्या कर रहे हो दी, मैंने उन्हें रोका, फिर वो अंदर चले गए। फिर एक दिन देखा, एक दिन तो कूद ही गए वो दोबारा। तो क्या जो आज लड़की थी वो भी उस दिन? नहीं, उस दिन वो लड़की नहीं थी, उस दिन कोई दो बंगाले ने थी। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कॉल गर्ल और उसके पति को हिरासत में ले लिया है और वो मामले की जांच में जुट गई है। इस बीच पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक रिहायशी इलाके में इतने महीनों से इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था और पुलिस को कानो कान खबर भी नहीं लगी, तो क्या ये पुलिस की लापरवाही नहीं है? टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से मथुरेश कुमार की रिपोर्ट।